पीटीवी ड्रामा सीरियल देन 1992 में नशर हुआ। ये ड्रामा 18 अकसात पर मुश्तमिल था। अमजद इस्लाम अमजद इस ड्रामे के राइटर थे। अयूब खावर ने हिदायत दी और हैदर इमाम रिजवी प्रोड्यूसर थे। कहानी एहसान, उसके बेटे जीशान और बेटी शाहीन के गिर्द घूमती है, जो पढ़ लिख कर चाहते हैं कि अपने गांव के लोगों के हालात बेहतर कर सकें, लेकिन गांव में सरदार दिलावर के अपने ही असूल और जाप्ते हैं। इस ड्रामे की कास्ट इन फनकारों पर मुश्तमिल थी: अफजाल अहमद, कवी खान, वसीम अब्बास, महमूद असलम, निदा मुमताज, बिंदिया रेशम, नबील जफर, नायमा खान, सुहेल अहमद, इस्मत ताहिरा, जावेद रिजवी, अनीक नाजी, नैयर एजाज, वाजिद बुखारी, सलीम पाशा, महमूद अख्तर, जाहिद कुरैशी, अफशां भट्टी, नीलम खालिद, नईम भट्टी, शब्बीर हुसैन, तौसीफ खान, जारा ताहिर, मोहम्मद जुबैर और काफी और भी हैं, जिनमें से कुछ तो अब अपने खाले के हकीकी से जा मिले हैं। हमारी बीबी, हर जगह का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। आपके बराबर बैठना मेरे लिए मुनासिब नहीं है जी। ये फैसला मेरे वालिद साहब ने करना है और उनकी सोच का मुझे पता है। उस खाने में सज्जाद साहब जैसा आदमी कहीं फिट नहीं होता। आला तालीम याफ्ता, कल्चर्ड और आला सोसाइटी के आदाब से वाकिफ होना चाहिए। उठने बैठने, बात करने की तमीज होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने। अगर सब लोग आप ही की तरह पुलिस से तावन करने लगे और हम बेअतमाद करें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह की गवाही से ज्यादा आपको इंसानों की गवाही पर एतबार। मैं कौन होता हूं जो 4 दिन के बाद का आपसे हतमी वादा कर लूं? मुझे तो अगली सांस का भी पता नहीं। घबराइए नहीं। लेकिन ये तो ठीक बात नहीं है। मेरे वाले साहब कहा करते हैं कि कभी बैकडोर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाबा, आपने तो वैसे भी हो जाना।